Hello. Hello. Good evening everyone. Good evening. Are you getting my voice? Sound? are hai kya? Hello. Good evening. Are you getting my voice? चलो साउंड आ रही है ओके okay. चलो ठीक है ओके okay. बस वही है बेटा लाइव चालू करने से पहले एक बार साउंड को चेक कर लेना भी जरूरी है और बाकी सारी चीजें कि भैया सब कुछ सिस्टम सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है सिस्टम तो दिख रहा है मुझे भी पता रहता है ओके okay. चलो Okay, so भाई अब आज का जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज में जो लेक्चर है आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस यस बेटा। काइनेटिक ऑफ गैसेस ये हमारा है काइनेटिक थरी जिसे हम लोग कहते हैं डीपीबी क्रैश के क्वेश्चन आएंगे बेटा क्यों नहीं आएंगे बेटा फॉर्मूला ज्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहता है तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ठीक है और चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आपके सामने आ रहा है वेटेज कितने हैं बेटा वेटेज एक क्वेश्चन का तो वेटेज कम से कम मान के चलना है ऐसा भी हुआ है एक आध साल में कि जहां पे आई थिंक दो 2018 में शायद से आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली बट एक साल ऐसा था जहां पर एक भी सवाल नहीं आया था तो उससे हम कह नहीं सकते बेटा देखो कैसा होता है ना जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो वैसे वैसे ऐसा फीलिंग होता है कि हम भूल रहे हैं लेकिन डरिए नहीं बेटा क्वेश्चन लगाते रहिए धीरे धीरे तो आपको क्लियरली फील होने लगेगा कि नहीं जो भूल रहे हैं वो वापस से रिकॉल होने लगेगा इसलिए हम हमेशा कहते हैं बेटा स्टार्टिंग से ही आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए अपने एक तो प्रॉपर नोट्स बन रहे होते हैं और एक शॉर्ट नोट्स और बनाते चलिए साथ ही साथ में ताकि आप चीजों को अच्छे से टैकल कर सकें और लास्ट मोमेंट पर जो भूलने वाली चीजें हैं वो उनमें ऐसी परेशानी ना हो क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का ही सवाल है जरा चेक करो इसको और आंसर निकालो बेटा कितना आ रहा है कौन सा आ रहा है वॉट एवर बी द आंसर जस्ट गेट द आंसर पहला सवाल ठीक है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ टू फोर नाइन के पी ए के पी ए का मतलब क्या है किलो पास्कल। एक सिलेंडर है जिसके अंदर में गैस भरी हुई है और गैस का नाम दिया है उन्होंने हाइड्रोजन अब देखो जब भी ऐसे सवाल हो तो हमें चेक करते रहना चाहिए डाय एटोमिक है मोनो एटोमिक है क्योंकि आप जानते हैं बेटा बहुत सारे सवाल कई बार ये मोनो एटोमिक और डाई एटोमिक के कारण बदल सकते हैं आपके आंसर टेम्परेचर बेटा दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और इसकी डेंसिटी पूछी है इसकी क्या पूछी है डेंसिटी अब देखो जैसे ही डेंसिटी की बात आती है तो मेरे मन में सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या आता है डेंसिटी पूछिए ना तो so, डेंसिटी का मतलब मेरे को तो इतना ही पता है रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम अब यहां पर क्या है ना तो वॉल्यूम दिया है ना ही मास दिया है कुछ भी तो नहीं दिया है फिर क्या करें अब since, देखो आज का जो लेक्चर है हमारा ये काइनेटिक थ्योरी का है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जा रहा है कि पीवी बराबर एनआरटी का कुछ ना कुछ यूज होगा लेकिन आप सबसे पहले आपके दिमाग में डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम आएगा या कुछ और आएगा सोल्यूशन देखो सवाल तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है पहले उसको पकड़ो रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम और एक चीज मैं जानता हूं बेटा क्या होता है पी बराबर होता है एन आर टी यस और नो ये बात मैं जानता हूं नहीं जानता हूं बिल्कुल जानता हूं तो यहां से देखिए मैं वी बराबर लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन पी लिख सकता हूं तो इसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा देखो बेटा रो बराबर मिलेगा मास अपॉन एन आर टी अपॉन पी मतलब यहां चला जाएगा तो रो बराबर आपको मिल रहा है पी इन टू एम अपॉन एन आर टी अब यहां पर और परेशानी है एन नंबर ऑफ मूल्स नहीं मालूम है मास अभी भी मासनोन है टेम्परेचर और प्रेशर तो मुझे दिख गए हैं तो इसको हमें सोचना पड़ेगा चलो बेटा इसको जरा सोचते हैं तो रो बराबर प्रेशर मास नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा जा सकता है जरा आप बता सकते हैं क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स दिए क्या नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यस और इन टू आर टी यहां पर देख लेते हैं बेटा एम से एम कटेगा और ये एम नॉट ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास में रो का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी इन एम नॉट मॉलिकुलर मासन आर इन टी रियलिटी ये है बेटा कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए इसके बिना काम नहीं बनेगा चलो तो रो बराबर पी कितना है बेटा प्रेशर कितना क्या दिया है प्रेशर तो ये आएगा, टू फोर नाइन इन टू किलो है मतलब टू द पावर थ्री इंटू मॉलिकुलर वेट अब ध्यान रखना यहां लिखा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपकी डाई एटोमिक गैस है तो इसका मास कितना लिखा जाएगा मॉलिकुलर वेट डाई हाइड्रोजन तो दो और ये ग्राम में होता है तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस थ्री बेटा इन सारी छोटी छोटी बेसिक चीजों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका बिल्कुल सवालों में गलती नहीं होगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 याद होता है और टेम्परेचर आपको 300 हंड्रेड कैलविन दिया गया है ठीक है नाउ सॉल्व इट सॉल्व करना है बेटा आपको इसको देखो ये तो दोनों आपस में वैसे ही कट गए और ये कितना हो जाएगा लगभग 500 मान लो और पॉइंट हटाओगे जीरो कैंसिल कर लो तो रो बराबर अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा फाइव वैसे तो मैं सीधा सीधा 498 लिख सकता हूं और यहां पे जीरो और तिराम तिया नौ आठ सोलह आठ तिया चौबीस ठीक है तो चार सौ अट्ठानवे चौबीस सौ नब्बे मतलब वन बाई फाइव मतलब जीरो पॉइंट टू दैट इज माई आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल बेटा वेरी गुड अब यहां पर सवाल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अब सोचो यदि आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता क्या आपके ये जो स्टेप्स आपने किए हैं वो बचते या नहीं बचते सोचो और फिर बोलना ठीक है क्योंकि यही वो चीजें हैं यहां पर इस सवाल में गलती क्या होगी गलती बस इसी जगह पर ये वाला स्टेप है जहां पर आप गलती करोगे ध्यान रखना हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2 है डाई एटोमिक है मतलब दोनों का कंसीडर करना होता है यस yes, बिल्कुल बेटा तो इन छोटी छोटी चीजों का इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना इस इस चैप्टर में ऐसे सवाल होते हैं बेटा यहां पे कैलकुलेशन में बस उलझते हैं बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है चलो अगला सवाल आ गया अगले सवाल का आंसर दिखाओ बड़ा फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू आंसर एमओ एमोमोलिकुलर वेट होता है आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से चलोगे तो वन आता है ठीक है लेकिन वो क्या होता है वन ग्राम पर मोल होता है यहां डाई एटॉमिक होती है हाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना तो यहां पे दो कंसीडर करेंगे क्योंकि आपके दो एटम्स हैं यहां पर ठीक है तो दो और ग्राम पर मोल ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर टू अगेन फ्रॉम नीट ट्वेंटी ट्वेंटी देखो सवाल क्या है द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटोमिक गैस इज के इज द बोल्डमैन कॉन्सेंटेंट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो बताओ भैया थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी की आप बात कर रहे हो आंसर कितना आ जाएगा थ्री बाई टू के बी इंटू टी क्योंकि वन बाई टू देखो याद करना वन बाई टू के बी इंटू टी क्या होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम याद आ रहा है बेटा स्पीड कैसे इंक्रीज करें बताओ इंक, स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस बता दूं आपको कौन सा अलग सा रॉकेट साइंस जो कि मतलब कोई नहीं जानता हो और मैं अलग से जानता हूं स्पीड सवालों को करने से बढ़ती है आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उतने ही आपको सवाल देखे देखे से लगेंगे और कैलकुलेशंस में आपके हाथ चलने लगेंगे देर इज नो डिफरेंट रॉकेट साइंस हेयर टू इंक्रीज द स्पीड स्पीड बढ़ाने के लिए कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है बेटा वही है आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करना है क्योंकि आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को solve करोगे उतना सवालों को सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है मैं इसको डायरेक्टली टिक कर देता हूं ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है ये मेरे को इसका आंसर याद है मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया और नीट में यही होगा अभी क्योंकि अलग अलग बुक से जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको धीरे 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 आएगा ठीक है केटीजी में हमेशा एफ की वैल्यू थ्री होती है क्या बेटा ऐसा नहीं है थ्री कब होती है मोनो एटोमिक पर डाई डायटोमिक होता तो मैं फाइव लिखता है ना क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई डाइटोमिक गैस की हम पांच कंसिडर करके चल रहे होते हैं है ना चलो मोर प्रैक्टिस एंड मोर स्पीड दैट इज द सीक्रेट ऑफ नीट बेटा है ना चलो इसका आंसर थ्री बाई टू के बी इंटू टी बट इन्होंने यहां पर के बी की जगह के लिखा है ठीक है चलो आगे बढ़ जाए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या हम लेक्चर देखकर 180 स्कोर कर सकते हैं बेटा इसमें भी डाउट है बेटा यदि आप मेरे लेक्चर पूरे फॉलो किए तो आप, आप जेई के पेपर में भी 25 में से लगभग 18 से 20 सवाल अटेम्प्ट करके आ जाओगे हाँ, सिंस आपका मैथमेटिकल स्किल्स इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा परेशानी हो सकता है हाँ भैया डी आ रहा है ओके इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू एक आपने कंटेनर के अंदर में गैस क्या कर दी है फिल कर दी है तो भैया जाहिर सी बात है यदि कंटेनर के अंदर में गैस फिल कर दिए तो यहां पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा कॉन्स्टेंट आ जाएगा है ना वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हम एक बात जानते हैं पीवी बराबर एनआर टी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एनआर कॉन्स्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर मैं ये स्टेप पता क्यों लिख रहा हूं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए देखो फर्स्ट ऑप्शन में प्रेशर दिख रहा था मुझे तो भैया कहीं यही तो ऑप्शन नहीं है अब इन्होंने क्या बोला डिक्रीज इन इट्स प्रेशर लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है ठीक है अब अगला ऑप्शन लिखा है डिक्रीज इन डिस्टेंस देखो जब temperature आप बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में दूर भागने लगेंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगी मतलब ये भी गलत है मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है भैया मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है मास तो कंजर्व रहता है यस yes? ओके okay. अब क्या बच गया इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी तो बेटा ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री हां देखो मुझे देखो अब सवाल मेरे देखे हुए हैं तो मुझे डायरेक्टली पता है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चेक तो करिए एटलीस्ट हाँ भाई ये सवाल आ गया चलो करो क्वेश्चन नंबर फोर है 2018 का है तो मतलब 2017 का शायद ऐसा पेपर होगा जिसमें नहीं आया होगा या हो सकता है पंद्रह के आसपास हो कोई सीआरएमएस तो बराबर अंडर रूट थ्री पी अपन रोज से क्या करोगे सॉल्व करके बेटा क्वेश्चन नंबर वन में तो वो पूछा गया था ना प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह दिए थे फिर उसको उलझाओ आप जबरदस्ती सवाल को काहे उलझा रहे हो सर वन शॉट लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है देखो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनको एक बार लगता है कि मुझे कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा है लेक्चर के अंदर में कौन कौन सी चीजें चैप्टर के अंदर में है वो बस एक बार देख ले बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ अब देखो मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल आता होगा रिजल्ट याद होगा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 2018 का सवाल है मतलब मैं करवा ही चुका हूंगा इसको भी क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बोलो बी आ रहा है दीक्षा का बी आ रहा है आशीष का डी आ रहा है अंजलि का भी डी आ रहा है स्वस्तिक तो का बी आ रहा है चलो चेक करते हैं एट वॉट टेम्परेचर विल द आर एम एस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशियंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर अब देखो इस सवाल को मैं ग्रेविटेशन में भी कंसिडर कर सकता हूं और यहां पर भी कंसिडर कर सकता हूं इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि यह डबल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है है ना यस yes. तो एवरेज वेलोसिटी को क्या कर दो सॉरी आरएमएस आरएमएस एस आर एम एस आर एम एस वैल्यूसिटी बराबर कर दो चलो ठीक है तो भैया आर एमएस का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वही आपको पता होना चाहिए यस और नो आपने बोला सर बात तो सही लग रही है चलो लगा दो तो ये आएगा थ्री के बी इन टू टी अपॉन एम ठीक है अच्छा मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों ले रहा हूं वॉट इज द रीजन थ्री आर टी नहीं ले रहा हूं क्योंकि बेटा यहां पर देखो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का आपको डायरेक्टली मास गिवन है इसलिए मैं इस वाले फॉर्मूले को यहां पर यूज कर रहा हूं ठीक है चलो अब यहां देखते हैं आर स्पीड को किसके बराबर होना चाहिए एस्केप स्पीड और अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी आती है एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड मतलब ये आएगी आपके पास में ग्यारह हजार दो बराबर अंडर द रूट ऑफ थ्री इन टू के बी के बी इज द बोल्डमैन कॉन्स्टेंट वैसे एग्जामिनर देते हैं इन वैल्यूज को लेकिन मेरा मानना यह होता है कि आपको ये सारी वैल्यूज है ना याद होनी चाहिए इनटू टेम्परेचर आपसे पूछा रहता है और एम कितना दिया है टू पॉइंट सेवन सिक्स टू द पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स ठीक है जरा यहां पर देखो एक सौ अड़तीस इंटू दो करो दो छिहत्तर तो ये सीधा सीधा तो दो बार कट जाएगा ये माइनस ट्वेंटी थ्री है माइनस ट्वेंटी से ऊपर जाएगा थाउजेंड आएगा तो इलेवन टू डबल जीरो बराबर ये बच रहा है अंडर रूट के अंदर में वन पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड बराबर और इनटू क्या बच रहा है टेम्परेचर अब आपको यहां से टेंपरेचर सॉल्व करना है यस बेटा अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा बताओ एक काम करते हैं इन दो जीरो को देखो इन दो जीरो को दस मान के एक जीरो कैंसल कर लो और इस जीरो को यहां एडजस्ट कर लो तो आपके पास में बचेगा ग्यारह सो बीस बराबर अंडर द रूट ऑफ फिफ्टीन टी अब देखो एक काम करते हैं हम लोग पता है क्या फिफ्टीन टी को मैं लगभग चार मान लू क्या रूट लूंगा तो बिल्कुल मान सकता हूं तो चार से काटोगे तो चार दुना आठ चार आठ बत्तीस जीरो बराबर अंडर रूट ऑफ टी आएगा तो अब 28 का स्क्वायर देखो कहां तक पहुंचेगा 28 का स्क्वायर देखो तीस का स्क्वायर नौ सौ होता है तो उससे थोड़ा सा कम मान लो और यहां पर इसे 2.8 पॉइंट एट इंटू का स्क्वायर लिख लो बराबर है यह बात समझ में आ गई तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो टी का आंसर कितना आएगा 8.36 पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर कैलविन सवाल सिंपल था बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था हाँ बेटा देखो O2 के लिए 5 यहां नहीं आएगा सुनो फॉर्मूले प्रॉपर ध्यान रखो बेटा देखो क्या है ना ये मॉलिक्यूल के लिए है है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉलिक्यूल के लिए अब यहां हमें नहीं करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जहां हम लोग एनर्जी सीवी वगैरह जो बातें करते हैं वही लगाना है हर जगह पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है है ना 1.5 पॉइंट कहां से आया बेटा देखो क्या हो रहा है ना इसको यहां काटोगे तो ये दो बचेगा 1.38 से दो सौ छिहत्तर एक सौ अड़तीस इंटू दो कर लो और ये जो 3 बाई टू दिख रहा है उसे मैंने 1.5 लिया है ये थाउजेंड कैसे आया तो देखो टेन पावर माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी ऊपर जाएंगी तीन जीरो तो हजार बन जाएगा तो ये हजार है ठीक है इस बेसिस पर आया है है ना चलो आगे बढ़ो गो बढ़ो क्या बढ़ो हाँ भाई अगला सवाल देखो हाँ भाई गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फोर मोल्स ऑफ आर्गन एट एटरेचर टी नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोश द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो भैया देखो किसी भी गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है एन एफ आर टी डिवाइडेड बाई टू एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एन इज द नंबर ऑफ T इज द टेम्परेचर और आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ठीक है अब ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्मुले में क्लियरली कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आना है यहां पर तो हर जगह हमें जबरदस्ती नहीं लगाना है मैं जानता हूं आपको रिजल्ट याद हो गए बेटा इतने मैंने अब सोचो अभी खुद से अपनी अंतरात्मा से पूछो अपनी अंतरात्मा से पूछो सिर्फ 2020 वाले जो सवाल हैं उनको यदि छोड़ दो और 2019 के सवालों को छोड़ दो 2019-2020 ज्यादा से ज्यादा 2018 का मान लो बस ऐसे 2020 और 19 को छोड़ दो मान लो 2018 के भी मैंने बहुत कवर करवाए ऐसा कौन सा क्वेश्चन आप देख पाते हो जो मैंने डीपीपी में नहीं करवाया होता है कॉमन मतलब अपनी अंतर आत्मा से खुद पूछ के देखना बेटा इसको अब यहां पर क्या है एक ऑक्सीजन है और एक आर्गन है तो भैया मैं लिखूंगा यू बराबर एन एफ आर टी बाई टू प्लस का एन एफ आर टी बाई टू क्यों एक ऑक्सीजन के लिए और एक आर्गन के लिए सही है चलो अब यहां से देखो कॉमन क्या मिल सकता है देखो मोल्स अलग अलग है ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है ओके, टू कॉमन है तो आर टी बाई टू इंटू एन ऑफ ऑक्सीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन प्लस एन ऑफ आर्गन और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन बस इतको पुट कर दो तो आपको मिलेगा आर टी बाई टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है बेटा दो और ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है पांच प्लस आर्गन के मोल है चार लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तीन क्योंकि वो मोनो एटोमिक गैस है तो आर टी बाई टू पांच दस और चार बारह बाईस मतलब आंसर विल बी इलेवन आर टी इलेवन आर टी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी यस और नो गेटिंग माई पॉइंट बोलो भाई कोई दिक्कत है इस सवाल में कोई दिक्कत चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल की ओर हां भाई ये वाला सवाल देखो अब देखो इन सवालों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है इन सावधानी पर फोकस करना अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी अब आप इतनी देर से देखना अब देखो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2015 थाउजेंड फिफ्टीन आई थिंक सो so, फिर दो का क्वेश्चन नहीं नहीं पर 2016 का तो वही था तो है क्वेश्चन तो तीन कैसे आया बेटा आर्गन की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री होती है ना वाइब्रेशनल मोड से क्या मतलब है नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल मोड से मतलब ये होता है कि हम लोग है ना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड्स को भी कंसीडर करते हैं और एक वाइब्रेशन के मोड के लिए दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है लेकिन जब और वो तो हमें तब पता होता है जब हमें कहीं पता हो सच में तो वो चीजें कभी आती नहीं है हमारे एग्जाम में बट क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं और यहां पर एक बार इन्होंने वर्ड यूज किया था तो मैं हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखता हूं कि जब भी पढ़ाया जाए तो उन चीजों को बताया जाए इसलिए वाइब्रेशनल मोड्स पे हम बात करते हैं बस पूछते नहीं है कभी भी सवालों में ठीक है इस सवाल को ध्यान से देखना और ध्यान से सॉल्व करना बेटा यस बेटा आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं आपका सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है यस बेटा चलो सवाल देखो क्या है वन मोल अब देखो यहां पर क्या दे रखी है एक मूल गैस दे रखी है डाई एटॉमिक दे रखी है अब देखो हमें नहीं मालूम आगे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी लेकिन ध्यान से सुनना जरूर होता है कि डाई एटॉमिक दे रखी मतलब हो सकता है उसका कुछ मतलब हो अंडर गोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी ए से बी पर जा रही है ट्रांजिशन अलोंग अ ए बी एसओ निंदा फिगर जैसा डायग्राम में दिखाया देखो तो यहां पर ए चालू है और यहां पर बी तक पहुंच रही है ठीक है हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो लेकिन डायग्राम दिख रहा होगा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एक बात बताओ अब देखो जो आपको आता है पहले उसको सीखो आपको मालूम है कि u बराबर होता है nfrt 2 यस और नू बोलो इस बात से आप सहमत हो बिल्कुल और अब यदि आपसे पूछा गया डेल्टा यू तो इसको मैं आप ऐसे लिख सकते हो कि यू टू माइनस का यू वन चेंज इन टी एटिशन टू माइनस वन या फिर मैं लिखूं बी और भैया देखो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है हमेशा ओके तो भैया मैं यहां लिखूंगा डेल्टा यू बराबर एन देखो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ओके एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट है आर अपॉन टू माइनस एन एफ आर टी ए अपॉन टू सही है क्या अच्छा एक बात बताओ हम एक और चीज जानते हैं वो पता है क्या है हम जानते हैं पी वी बराबर एन आर टी यदि मैं इसे वन 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 कर सकता हूं इसके बेसिस पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू बराबर एन एफ आर सॉरी एन आर टी की जगह एफ और पीबीवीबी अपॉन टू माइनस एफ पी ए वी ए अपॉन टू सही है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय टू को कांस्टेंट ले लो पीबीवीबी माइनस का पी एवी ए देखो डाई एटम के लिए पांच बटे दो इन टू पी बीवीबी यहां प्रेशर देखिए दो किलो पास्कल तो टू इन टू टेन टू द पावर थ्री इंटू वॉल्यूम दिया गया है यहां पर छे माइनस ए पर देखो पांच किलो पास्कल इंटू वॉल्यूम है यहां पर चार सही है क्या दो चिकी बारह चार दो चार पंजे बीस बीस में से गए बारह कितने बचे आठ आठ बटे दो मतलब चार चार पंजे बीस और टेन टू द पावर थ्री का मतलब है किलो तो आंसर कितना आएगा बेटा माइनस का ट्वेंटी यस yes? हाफ टी बेटा एक मॉलिक्यूल का पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हाफ केबी इंटू टी होती है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल यस बेटा बिल्कुल सही पकड़े हो आप लोग थोड़ा सा स्पीडअप भी करना है ना बहुत ज्यादा स्लो भी चल के काम नहीं चलेगा से कैसे कर रहे हैं मतलब देखो थर्मोडाइनेमिक्स कोई अलग थोड़ी है, पता है मुझे, तो और एक ही लगता है। मुझे कोई अंतर नहीं समझ में आता मुझे तो लगता है तो एक ही में डाल देना चाहिए और इसको या हीट वन हीट टू ऐसे पढ़ाते वो ज्यादा बेटर रहता कंफ्यूजन एक फ्लो में आराम से बना रहता अब क्या ये चैप्टर डिस्टिंग्विश कर दिए तो उसको उन्हीं चैप्टर्स में कंसीडर करना और पड़ता है चलो भैया अब देखो क्या हो रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस है आरएमएस वैल्यूसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो बताओ सबसे पहले तो एंड ये प्रेशर और दे रखा है ठीक है वेन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस आर एम एस वैल्यूसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इन मीटर पर सेकेंड अच्छा भैया अब एक बात बताओ आर एम एस वैल्यू का पहले तो फॉर्मूला बताओ बेटा ऑफलाइन मॉड्यूल के बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं हम लोग जानते हैं सी आर एम एस जो होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है अंडर अंडरवूड थ्री आर टी है सीधा लिख दू मैं ओके तो भैया प्रेशर तो बस आपको गुमराह करने के लिए दिया आप बैठ के कुछ एक्स्ट्रा सोचो उसका कोई कोई मतलब नहीं है अंडर अंडरवु थ्री आर टी तो सीधा सीधा रिलेशन है दो तो सो का स्पीड है सत्ताईस पर तो भैया दो सो अपॉन देखेंगे बराबर अंडर रूट ऑफ सत्ताइस की जगह कितना आएगा थ्री हंड्रेड कैलविन फिर पूछा गया मैं अंदर टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अब देख देस वेलोसिटी तो बेटा यहां वी पूछा गया है और यहां टेम्परेचर कितना एक सौ सत्ताइस मतलब आएगा चार सो कैलविन सॉल्व कर लो तो दो सो बटे वी बराबर आएगा अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू तो वी बराबर आएगा फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट थ्री एक बात और समझ के चलना बेटा मैं इतने प्यार से जो सॉल्व कराता हूं ना ये आपको समझाने के उद्देश्य से करवाता हूं आईआईटी प्रिप के अलग ऐप होगी अभी तक मुझे बेटा कह नहीं सकता हूं मैं कुछ भी देखो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लोगे तो थ्री के टी एम पूरी गैस को कंसीडर करोगे तो अंडरवुड थ्री आर टी अपॉन एम ठीक है बेटा डीपीपी में टाइम लगने दो लेकिन सवालों को देखो ठीक है आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे हाँ भाई बताओ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट टू थाउजेंड फिफ्टीन नया फोन ले लूं वैसे मैं बताऊं मैंने यदि फोन को ऐसे गलती से ऐसे कर दिया तो स्क्रीन नीचे आ जाएगी मैं पकड़ के रखता हूं फोन को ध्यान से छह नंबर छह नंबर में क्या है देखो अच्छा यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम को एन माना गया अरे गामा का फॉर्मूला तो वन प्लस का टू बाई एफ होता है ना इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना बस यहां पे एन आ जाएगा ठीक है यस बेटा सॉल्व ही नहीं करना रिजल्ट याद होना चाहिए अच्छा मैं छह नंबर एक बार देख लेता हूं कुछ, कोई कोई व्यक्ति बहुत परेशान है अरे बेटा देखो क्या है एफ बाई टू को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया ओके एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है डाई एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच होती है है ना अब पीबीबी माइनस पी एवीए तो भैया देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको इस जगह ये बी वाला पॉइंट है जहां पर मेरा पेन है यहां पर प्रेशर कितना है टू टू पी ए मतलब किलो पासकल तो पास्कल को तो छोड़ो पर किलो का टेन टू द पावर थ्री ले लिया टू ये ले लिया और इस जगह पर वॉल्यूम कितना है 6 तो मैंने ये 6 लिख दिया माइनस बेटा इस जगह का प्रेशर पांच किलो पासकल और वॉल्यूम इस जगह का है पा, चार पांच का बीस छे दूना बारह बारह में से बीस गए आठ बचेंगे माइनस के माइनस आठ ये दो से डिवाइड कर लो माइनस चार बचेगा माइनस चार चार पंजे बीस हो जाएगा और ये वाला जो टेन टू द पावर थ्री है वो किलो में आ जाएगा ठीक है ये तो हो गया हाँ भाई ये करो सवाल सवाल करो माइक है हाँ कई बार ऐसा मेरे को कभी-कभी लगता है माइक चला नहीं गया केबी और आर में क्या रिलेशन है आप बता दो बेटा केबी और आर में क्या रिलेशन है आर बराबर होता है केबी NA NA क्या है एवोगैड्रो नंबर से जब बोल्डमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मिलता है बेटा बुकलेट तो पूरी इंपॉर्टेंट है फोर ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स एट एन एट एन ठीक है टेम्परेचर इसी की जरूरत पड़ती है हमें प्रेशर वन एटीएम. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज दिस मतलब आपको सीवी की वैल्यू दे रखी है पांच इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस एट एन टीपी इज दिस ओके तो ये आपको स्पीड दे रखी है ओके okay. तो so ये बेटा आर एम एस स्पीड ही कंसीडर करी जाती है नौ सो बावन दे रखी है देन द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब सीपी आपसे पूछा गया है टेक गैस कॉन्स्टेंट आर बराबर दिस और यहां पर आपके पास में चार ग्राम बेटा क्या दे रखी है गैस दे रखी है चलो अब कैसे करें अब देखो जब गामा के टर्मिनोलॉजीज में फॉर्मूला चाहिए इसका क्यों देखो सिंपल सी बात है सीपी चाहिए तो आप लिखोगे सीपी बराबर लिखोगे गामा इंटू सीवी सीवी पता है गामा आ जाए तो काम हो जाए गामा आ जाए तो काम हो जाए अब भैया गामा निकालें कहां से उसके लिए उन्होंने सी आर एम एस दिया है सी आर एम एस जो होता है वो होता है अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम एम इज द मास ऑफ द गैस यहां मॉलिकुलर नहीं है यहां मास है ओके okay. अब देखो ये फॉर्मूला फॉर्मूले को बारीकी से समझना पड़ता है अदरवाइज तो फिर क्या है आप कुछ भी करोगे फिर तो आप कुछ भी करोगे चलो अब बताओ यहां पर सी आर एम एस दे रखा है नौ सौ बावन बराबर अंडर रूट ऑफ गामा नहीं मालूम है आर एट पॉइंट थ्री मालूम है और टेम्परेचर बेटा दो सौ तेहत्तर कैलविन इनडायरेक्टली दिया गया है अपॉन एम एम कितना है चार ग्राम है तो फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस का थ्री यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर सवाल बेटा ये है सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीआरडी का पॉइंट टू पॉइंटर और समरी पढ़ना चाहिए बिल्कुल बेटा पढ़ लेने पढ़ लेने से फायदा होता है हाँ बेटा मैं किसी के बारे में कमेंट्स तो नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बायोमेट्र के बुकलेट्स को आप एक बार गो थ्रू तो कर लीजिए और फिर आप कहेंगे कि नहीं बहुत ही अच्छी चीज बनाई है आज कितने क्वेश्चन है बेटा पंद्रह ही सवाल हैं इसमें मिलेंगे है इस चैप्टर में ज्यादा बीच में तो बहुत साल होता गायब ही था ये चैप्टर रीजन आई डोंट नो बेसिकली शायद ऐसा हो सकता है कि मर्ज कर दिए होंगे बीच में कभी चैप्टर फिर अलग अलग कर दिए होंगे उसके कारण अब बताओ इसको सॉल्व करना है बेटा देखो इसको सॉल्व करना है ये काम आपको बैठ के करना पड़ेगा मैं आपको गामा बराबर डायरेक्टली बता दूंट 1.6 आएगा ठीक है और गामा जब आपका 1.6 आएगा तो सीपी का आंसर आएगा TV, 5, 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू इधर है पांच सोलह पंजे अस्सी तो सीपी का आंसर आपको आठ मिलेगा सीपी माइनस सीवी बराबर आर से क्यू नहीं कर सकते हैं ना यही मन में सवाल है चलो मन की शंका को दूर करते हैं सीपी माइनस सीवी बराबर आर तो भैया जी सीपी बराबर आएगा सीवी प्लस का आर आप सीपी बराबर लिखिए बेटा जरा यहां से सीवी कितना है बेटा पांच पांच जूल पर कैलविन प्लस आर कितना है एट पॉइंट थ्री जूल पर कैल्विन पर मूल जोड़ सकते हो क्या अलग अलग डायमेंशन को बेटा मैं आपके सवालों के ही आंसर दे रहा हूं आपके सवालों के ही आंसर मैं यहां पर दे रहा हूं बेटा कैलकुलेशंस का कोई स्पेशल टिप नहीं होता मैं आपको बार 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 बताते रहता हूं बेटा देखो दो मैं आपको फिर से स्पेशल केस बता रहा हूं बेटा ये 2015-16 के जो पेपर थे ना मतलब 15-16-17 के पेपर है ना ऐसा लग रहा था बच्चों पे अत्याचार करने के लिए बनाया गया था कि उन्हें फिजिक्स से डरा दिया जाए परमानेंटली कि बच्चों के मन में फिजिक्स का डर बैठा दो करके अब इनसे नहीं बनेगा करके और उस समय क्या क्या बोलते कट ऑफ भी बहुत कम जाया कर दी बेटा इस सवाल में रट लो भले ही चाहे तो क्योंकि देखो यहां पर बस इतना ध्यान रखना यदि ये सीवी पांच है और ये नौ सौ बावन याद आ रहा है कहां है ये नौ सौ बावन याद आ रहा है कहां का है डेटा ये कहीं निकाला है आपने इस डेटा को अरे ओ भैया तेरह पॉइंट तीन मोल कैसे जोड़ दोगे ऐसे ऐसे जुड़ता है क्या ऐसे नहीं जोड़ सकते ना मतलब मैं आपसे बोलूं एक बात बताओ एक बात बताओ कैसे जोड़ोगे मेरे पास में पांच मीटर पांच मीटर लंबा रॉड है और इसमें दस किलो आलू जोड़ना जरा जोड़ना कैसे जोड़ोगे बताओ कैसे जोड़ दोगे अरे भैया मोले 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 कैसे पता लग गया तुम्हें एक मोल है तुम्हें गैस का नाम पता है क्या गैस का नाम पता है क्या यहां पे गैस का नाम पता है क्या यहाँ पे कहाँ पता है जरा बताना जरा मुझे गैस का नाम गैस का नाम पता होता तभी तो तुम लिख पाते थे ना देखो इसलिए यहां पे स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है ना बेटा ये रही नौ सौ बावन मीटर पर सेकेंड बेटा हर बार पर मोल है बेटा एक मोल के लिए आप कैसे कैसे नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना अच्छा उस गैस का जो पांच जो सीबी आया एक बार बताओ किधर गया ये कहां गया हाँ ये कितने मोल के लिए दिया है बेटा नहीं कर सकते ऐसे अच्छा अभी कई लोगों का लेट चल रहा है मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया ठीक है बेटा Cp माइनस सीवी बराबर आर तब यूज होगा जब आपको दोनों सेम उसमें दिए होंगे मतलब यहां पर प्रमूल लिखा के दे देते दे ना सीवी के साथ में तब हम कर सकते हैं ठीक है ठीके? तब हम कर सकते हैं अन्यथा नहीं सीपी माइनस सीवी बराबर आर तब यूज होता है जब सीपी और सीवी दोनों की यूनिट से सेम हो जूल पर कैलविन पर मूल दोनों की जगह लिखा होना चाहिए बेटा जहां डर लगे वहां याद कर लो सही बात है कोई दिक्कत नहीं है चलो करो इस सवाल को पहले तो। इस सवाल में अटका दिए आप लोगों ने बेटा जैसे 2015 के क्वेश्चन थे ना वैसे मैं आपको फिर से बोल रहा हूं मैंने लाइव शुरू करने से पहले बोला दो हजार पंद्रह के जो पेपर है ना उनके क्वेश्चंस को रट के रख लो आया ना तो सेक्शन बी में ही कोई ऐसा फंसाएंगे वो ये आर एस क्या है अरे वो 2015 में कुछ दो पेपर हुए थे कुछ ऐसा हुआ था कुछ कैंसिल हुआ था और रिपीट हुआ था ऐसा कुछ तो भी हुआ था एग्जैक्ट चीजें मुझे भी याद नहीं बहुत पुरानी बात हो गई पांच छह साल पहले करना भैया अब मैं डायरेक्टली कर दूं कि थोड़ा सा ऐसे करूं थोड़ा सा मतलब देखो रो बराबर पी एम अपॉन आर टी सही कर रहा हूं क्या ओके चलो अब हमें क्या चाहिए देखो टू वैसल सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है काट दो अरे तेरी कुछ तो ज्यादा लंबा निकट गया हाँ प्रेशर ऑफ ए बींग टाइस दैट ऑफ बी मतलब प्रेशर ऑफ ए आपको टू टाइम्स दिया गया है प्रेशर ऑफ बी अंडर सच कंडीशन ऑफ एंड टू बीम्सिटी बराबर दे रखा है रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट्स ऑफ ए एंड बी भैया आपको एम ए अपॉन एम बी पूछा है तो एक काम कर लो इसमें देखो क्या रोए और रोबी के लिए फॉर्मूला लगा दो तो भैया देखो रो ए बराबर वन पॉइंट फाइव टाइम्स रोबी तो यहां से आप लिखोगे प्रेशर ऑफ ए मॉलिकुलर वेट ऑफ ए अपॉन आर और टेम्परेचर बराबर वन पॉइंट फाइव और बेटा प्रेशर ऑफ बी और मॉलिकुलर वेट ऑफ बी ठीक है अपॉन आर टी टेम्परेचर सेम है कैंसलेशन करो फटाफट आर टी ने आर टी को मारा तो ये प्रेशर ऑफ ए क्या है टू टाइम्स प्रेशर ऑफ बी है इनटू मॉलिकुलर ऑफ वेट ए बराबर टाइम्स प्रेशर ऑफ बी मॉलिकुलर ऑफ वेट ऑफ बी चलो फटाफट सॉल्व करो इसको पी बी पी बी कट जाएगा तो भैया एम ए अपॉन एम बी का आंसर आएगा वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्विवेलेंट टू थ्री बाई फोर फोर बाई थ्री नहीं दिया है कहीं पे भी तो मुझे तर, डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा खुद से मैं आपको सोचना तक तो सिखा रहा हूं अब देखो मैंने यहां पर क्लियरली देख लिया वॉलिकुलर वेट का रेशियो डेंसिटी वगैरह पूछा है ये दिया डेटा है तो मैं यही फॉर्मूला सोच पाया इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला आपके पास दिमाग में आया बताओ चलो आगे बढ़ो हाँ भैया अगला सवाल जरा बताना क्या आएगा डायरेक्ट सवाल है रट लो कोई बात नहीं बेटा कभी कभी होता है कि हम ज्यादा सवाल नहीं कर पाते हैं सचिन तेंदुलकर भी बहुत बार जीरो पर आउट हुआ है ठीक है हां बेटा ऐसा ही कुछ पेपर आएगा लैमड़ा यहां पे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या देखो लैमड़ा बराबर क्या होता है वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन अब ये फॉर्मूला याद नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया डी डायामीटर होती है डी क्या होती है डायामीटर एन क्या है पता नहीं सर ओके okay, बेटा ये आंसर ये है ना आर टू पावर माइनस टू आना चाहिए फिर अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनली पूछा है क्या ओके ओके फिर ठीक है तो देखो यहां से डी है तो डी की जगह आप क्या लिख दोगे डी बराबर टू आर लिख दो ठीक है तो लैमड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सही है यस दसवें क्वेश्चन में बेटा डेटा है फॉर्मूला है डेटा है फॉर्मूला है बेटा रटा हुआ क्वेश्चन का वैल्यू चेंज हुआ तो बात आपकी बहुत हद तक सही है कि रटे हुए क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हुई तो क्या करेंगे लेकिन क्या है ना आ, हम ये कह सकते हैं देखो इसलिए हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टैंडर्ड वाले मतलब कैसे होता है जैसे मैं आपने ये बताऊं इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है वन ग्राम हीलियन वाला कौन हीलियम वाला कौन ऐसे रिजल्ट कितने भी याद भी नहीं कर सकते बट क्या होता है इट इज एक्सपेक्टेड कि भैया यदि कोई ऐसा उसे डरावना सवाल देना है तो वो दे ऐसा ही दे देगा बहुत ज्यादा देखो हर, हर हर सवाल को आप नहीं रट सकते हो हर सवाल को रटना पॉसिबल नहीं है बेटा है ना इस बात को का भी उतना ही सक्सेसफुली दिस दिशन रॉन्ग वेरी गुड रिजल्ट अब देखो इसमें बताओ मैं क्या करूं रिजल्ट याद नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता हो सकता है भी मुझे रिजल्ट याद नहीं आता तो मैं भी गलत कर, कर जाता था पर मुझे याद आ गया लास्ट मोमेंट पे है ना चलो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ ही पी फ्रॉम टी वन कैलविन टू टी टू कैलविन अच्छा एक बात और समझो बेटा क्या होता है ना कई बार है ना आप फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते, पढ़ते ना केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगाने लगते हो तो उसके कारण भी दिक्कत होने लगती है तो फिजिक्स में जैसे चलना है वैसे ही चलना है बेटा रिवीजन करने का मतलब ही होता है कि आप थोड़ा सा आधे घंटे में उस चैप्टर को देख डालो मुंह जवानी रिकॉर्ड कर लो ऐसे बैठ के हो गया फिर फॉर्मले सारे देख लो एक बार हाँ ये इस चैप्टर में ये 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 फॉर्मुले पड़े अब बस सवाल करने हैं रिवीजन का वही मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ हीलियम एट एन टीपी फ्रॉम टी वन कैलविन टू टी टू कैलविन कैसे करोगे बताओ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है बराबर अब देखो क्या है ना डेल्टा क्यू निकालू ये मन में सवाल आते रहते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर क्या देखो वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में कुछ किया नहीं है तो मैं वर्क वर्क डन डन अलग अलग से से थोड़ी निकालूंगा इसमें ठीक है नहीं निकालना है भैया तो आप देखो क्या हो जाएगा डेल्टा यू भैया जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है नो उसी से मेरा आंसर बन जाएगा तो मैं इसे लिखूंगा एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी ठीक है भैया तो डेल्टा यू बराबर एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स कौन सी गैस है हीलियम वन ग्राम हीलियम दे रखी है ओ तो ये तो टेढ़ा काम हो गया तो वन ग्राम में आप देखोगे तो क्या एन बराबर वन बाई फोर ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे क्या तो मैंने आपको लिख दिया बेटा देखो वन बाई टू को सेपरेट लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स वन लिख दिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम मोनो एटोमिक मतलब आ गया थ्री है ना आर और डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस का टी वन है। आपके पास में डेल्टा यू का आंसर आ गया थ्री आर बाई एट टी टू माइनस टी वन अब क्या करें सर आर की जगह एन ए इंटू के भी लिख दो आंसर आ जाएगा और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में क्यों क्योंकि आर बराबर एवोगैड्रो नंबर इन टू कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट के मामले में बेटा हर कोई गजनी ही होता है हर किसी के साथ में ये चैप्टर टफ है क्या बेटा चैप्टर टफ नहीं है कुछ कुछ पॉइंट्स है ना जो याद नहीं रहते हैं उसके कारण हीलियम डायटोमिक कहा है मोनो एटोमिक मैंने डायएटॉमिक बोला डिग्री ऑफ हीलियम तो मैंने थ्री लिखी है देखो वन बाई टू नंबर ऑफ मोल्स वन बाई फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री मोनो एटोमिक तो लिखा है बेटा यदि आपने स्कोर और पूरी कर डाली तो फिर आपका बेटा वन लाने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता चलो आगे बढ़ो फटाफट हाँ भैया बताओ द मोलार स्पेसिफिक ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्सटेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम सी पी एंड सीवी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड सी वी की वैल्यू क्या होती है अब बताओ ये क्या करना है इसका फॉर्मूला रटा रटाया याद करना है डेल्टा यू क्यों नहीं लिए डेल्टा यू ही क्यों लिया है क्योंकि भैया टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज होगी अब यहां पर क्या है ना देखो वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है तो भैया एक ग्राम हीलियम को आप एक कॉमन सेंस लगाओ इसका आंसर निकालना जरा फटाफट यस इसका आंसर आपको रटा फटाफटा याद होना चाहिए गामा माइनस वन तब तक बेटा इनकी बातों का आंसर सुन लो एक बात बताओ इस वन ग्राम हीलियम को कहा ले जाके गर्म करोगे कहा ले जाके गर्म करोगे कहा ऐसे टेबल पे रख के एक ग्राम हीलियम गर्म हो जा ऐसे करोगे क्या नहीं ना ये कंटेनर लोगे इसके अंदर में एक ग्राम हीलियम भरोगे वॉल्यूम क्या हो गया बेटा कॉन्स एक काम करता हूँ यहां करता हूं देखो ये आपका कंटेनर हो गया इसमें वन ग्राम हीलियम है इसका टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है वॉल्यूम क्या है बेटा यहां पर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट टू तो डब्ल्यू बराबर जीरो वर्डन जीरो हो जाएगा वर्डन जीरो क्योंकि डब्ल्यू वर्डन का फॉर्मूला क्या आता है अरे भैया आइसोमैट्रिक आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन क्या होता है जीरो होता है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा यस और अब तो डेल्टा क्यू बराबर वैसे डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्लू ये थर्मोडाइनमिक्स का सवाल है वैसे तो पर मैंने यहां पे मैं सोचा इतना आप समझदारी भरा निर्णय कर लोगे करके बेटा हमेशा बत्तीस ही लेना है सोलह नहीं लेना है सवाल गायक खत्म हो गए क्या हाँ ये रहा ये बताओ ये तो मैंने लेक्चर में भी करवाया होगा सवाल सर खुश तो हम भी खुश सवाल देखो और सॉल्व करो इन द गिवन डायग्राम वीटी डायग्राम वॉल्यूम यहां है टेम्परेचर यहां है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी वन एंड पी टू तो कैसे करेंगे हम पीवी बराबर एन आर टी होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो अब यहां पर थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला परिचय देना है यस और नो तो भैया यह यहां देख लो इस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया सेम हो गया यस और नो इसके लिए ये वॉल्यूम है इसके लिए ये वॉल्यूम वॉल्यूम है बराबर टेम्परेचर को यदि मैं कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा तो यहां देखो बेटा वॉल्यूम है V1 और यहां देखो बेटा वॉल्यूम है V2 है ना यस और नो पंद्रह क्वेश्चन है बेटा बस हो चला है, है ना तो वॉल्यूम वन इज लेस देन वॉल्यूम टू तो भैया जी प्रेशर वन जो है वो ज्यादा आएगा प्रेशर टू से तो पी वन बड़ा होगा पी टू से मतलब ऑप्शन नंबर बी टैबलेट को रखूंगा कहा टैबलेट का, का मतलब तो मुझे इतना पता है खा सकते हो उसे जब बुखार बुखार हो जाए तो वो दे देते हैं डॉक्टर जी ये लो टैबलेट टैबलेट बेटा यदि टेस्ट में थोड़े क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आंसर इज बी दैट्स गुड एंड हियर कम लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू थाउजेंड एट लैपटॉप पे पढ़ते हैं थर्टीन का आंसर बेटा मुझे तो याद नहीं है देखना पड़ेगा पीछे जाके पांच दस मिनट रुके और बात करेंगे आईफोन ले लो बेटा अभी आईफोन नहीं ले पाऊंगा मैं है ना टेम्परेचर को भी तो कॉन्स्टेंट कर सकते तो मैंने क्या किया था मैंने भी तो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके निकाला बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा मैंने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके निकाला है इसका डी आएगा क्या चलो देखते हैं बेटा कैसे आएगा इस सवाल को ना देख के ना आ, बहुत ही कई लोग है ना एकदम से ऐसे कंफ्यूज कंफ्यूज से हो जाते हैं ना ठीक है चलो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है देखो इस सवाल की लैंग्वेज बहुत प्यारी दी है एट दस डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ मास ऑफ ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड इट्स प्रेशर इज एक्स सवाल की लैंग्वेज अड मासना क्या हो रहा है दस डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर डेंसिटी डिवाइडेड बाई प्रेशर आपको दिया गया है एक्स एट 110 डिग्री ये रेशियो कितना आएगा ये आपको बताना है ये है ये सवाल बेटा हा यहीं पर सिक्टी पिट्टी गुम अच्छा वॉल्यूम कॉन्सेंट करके वो भी मैं बता दूंगा देखो दोनों तरीके से बता दूंगा ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ठीक है पहले इसको देख लो आई थिंक सो मैंने देखो मेरा तो मन करता है वैसे करा लेता तो हूं मुझे मालूम है मेरा ग्राफ अच्छा है मुझे ग्राफ अच्छे से बनाना आता है मुझे ग्राफ अच्छे से समझ में आते हैं मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे भी कर लू कर लूंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा ठीक है अब देखो यहां पर परेशानी रो रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी डेंसिटी का मतलब रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम मैंने बोला ठीक 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 ओके, ओके 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 और क्या करूं और बताओ क्या करूं और बताओ क्या करूं अब देखो यहां पर रो अपॉन पी चाहिए तो भैया रो अपॉन पी का मतलब आएगा मास अपॉन पीवी मैंने बोला बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक यस और नो चलो अब देखो रो अपॉन पी को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन एन आर टी लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकता हूं अब यहां पर देखो मास भी कॉन्स्टेंट है एन नंबर ऑफ मोल्स आर सब कॉन्स्टेंट हो गया तो रो अपॉन पी बराबर वॉट एवर इट इज द वैल्यू ये आपके पास में क्या आ रही है कॉन्स्टेंट अपॉन टी आ रही है और इस कॉन्स्टेंट अपॉन टी में ये वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स बराबर सम कॉन्स्टेंट अपॉन टी आ रहा है मतलब एक्स इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट आ रहा है अब एक बात बताओ पी बराबर एनआरटी का रिलेशन लग गया मतलब मैं डिग्री सेल्सियस से सॉल्व नहीं करूंगा इसको क्योंकि देखो इन्होंने ऑप्शन सी फंसाने के लिए दिया है तो ये देखो x इंटू टेम्परेचर दस डिग्री मतलब आएगा दो बराबर आपसे दूसरी बार x2 मान लेता हूं और इंटू टेम्परेचर है 383 तो x2 बराबर आएगा दो डिवाइडेड बाय तीन सो तेरासी इंटू एक्स कहां है ये आंसर ढूंढो जानी कहा प्राण पखेरू तो नहीं उड़े किसी के क्या बात है मेरे डायलॉग हां भैया अब किसी को क्या पूछ रहा है संजय सर बाइक राइड कर लेते हैं उनके पास वो है क्या बोलते हैं उसको पेशिया नहीं स्पेशिया नहीं पजेरो नहीं वेस्पा हां वेस्पा आज रिजल्ट खराब आ गया आप लोगों का है ना बेटा आप तेरवा क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने ऐसा कैसे हो गया अरे भैया ये तो रिजल्ट याद रखना है तुम नीट के बच्चे हो बेटा यदि डीपीएस और बुकलेट कंप्लीट कर गए ना आपने तो 150 तो क्या 170 180 पूरा ही आएगा आपको है ना स्कोर बढ़िया आ रहा है सबका बेटा थर्टी नंबर रिजल्ट याद रखना है स्टैंडर्ड है ये ऐसा मत करो भाई रिजल्ट याद रखना है बेटा ऐसा अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा करके हाँ इसको आपको कैसे करना था चलो उसको भी मैं बता देता हूं पहले ये ग्राफ मुझे दोबारा और बनाना पड़ेगा चलो मैं बना लेता हूं पी वन पी टू ये इधर है बेटा P1 इधर में है P2 इधर में है टेम्परेचर इधर में है वॉल्यूम तो अब एक काम करो भैया देखो यहां से लाइन मार दो ये लाइन मार दी मैंने है ना तो देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया भैया तो इस जगह पर प्रेशर कितना आएगा P2 इस जगह पर प्रेशर कितना आएगा P1 है ना अब देखो इस जगह पर टेम्परेचर आएगा टी वन आएगा टी और भैया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब पी वन इज ग्रेटर देन पी टू और हमने यही लिखा है क्या देख लो भैया वेस्पा कार नहीं है वेस्पा वो है आपने पूछा था बाइक राइड करते हैं क्या तो मैंने बताया वेस्पा वेस्पा है सर के पास तो में सर, सर की गाड़ियों के बारे में मुझसे मत पूछो फोर व्हीलर से आते हैं यस yes. ठीक है That's it अब हमारे पास में यहां पे सारा आज का क्वेश्चन खत्म हो गया कल थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा चैप्टर है देखो ये दो तीन चैप्टर पता नहीं क्यों आप लोगों को हार्ड लगते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यार ये चैप्टर स्कोरिंग वाले चैप्टर है ना बेटा थियरिटिकल क्वेश्चंस का एक ही तरीका है आप प्रैक्टिस कर लो इतनी बार की थियरटिकल क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं होता है थियोरटिकल क्वेश्चन में कोई हेराफेरी नहीं होती है इसलिए थियरटिकल क्वेश्चन को आप देख के रखें मेरे पास कौन सी मेरे पास तो पल्सर है भाई। बेटा मार्क्स अटक गए एक बार है ना आप फिर से थोड़ा सा ना गैप ले लो एक बार है ना और आप है ना लगाते आप लोगों को ना बहुत बहुत से लोगों को एक गलत आता था थे, पता है क्या रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करते बैठेंगे ये बुक खरीद लेंगे वो बुक खरीद लेंगे इसकी मॉक टेस्ट उसकी मॉक टेस्ट ऐसे नहीं करना बेटा एक बात समझो एक आपको है ना एक इंस्टीट्यूट पर भरोसा रखते हुए चलना पड़ेगा हम जो भी कर रहे हैं ना आपके भले के लिए कर रहे हैं वीक में एक मॉक टेस्ट सफिशियंट है जब एकदम फाइनल वाली सिचुएशन आएगी तब आपको वीक में दो कर लेने चाहिए बस मतलब जब एग्जाम के बहुत नजदीक आ जाओ हालांकि अब एग्जाम के नजदीक आ गए आप लोग है ना तो अब आपको वीक में दो कर लेने चाहिए यहां से आगे ठीक है हाँ वो तो होता है बेटा बुलेट ले लो बेटा ऐसा लगेगा बुलेट मेरे को लेके आ रही है मैं बुलेट को नहीं बुलेट मेरे को लेके आ रही है ऐसा लगेगा बेटा यदि आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो सब कुछ मुमकिन है ठीक है लेट इट भी बेटा आपका स्कोर आप लोगों ने सभी ने बताई दिया रिजल्ट आपका अब मैं आपसे बोलूंगा हम लोगों की जो मुलाकात होगी जाहिर सी बात है कल होगी और कल भी हमारा सिक्स पीएम पर ही रहेगा और कल हम लोग जो करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स देखो तो क्या ना थर्मोडायनेमिक्स के एक आधा सवाल में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, में ले चुका हूं एक आधा आज भी आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उतना हो जाता है उसमें क्या मिक्स होते हैं ना एक क्वेश्चन चैप्टर कभी कभी ऐसा होता है ठीक है लेटेड भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन जब लॉज ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में भी मिक्सिंग थी तो ऐसा हो सकता है ठीक है उससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा टा शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है परफॉर्मेंस एनाउंसमेंट शीश को एक बार देख लो बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसउंसमेंट शीश को जब बाद में जहां सिलेबस खत्म हुआ था उसके बाद में जो जो दी थी उसको देख लो या डायरेक्टली क्रैश कोर्स के की नोट्स को देख लो है ना ठीक है यस बेटा तो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा आज के लिए बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान सो तब तक के लिए